अस्सलामुअलैकुम प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको एक न्यू टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे आपके साथ और उम्मीद करते हैं कि वो टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज मैं अदनान भी से एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिनके पास कुछ पैसे पड़े हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पैसों को कहाँ पर लगाएँ DHL लाहौर के अलावा, तो अदनान भी जैसे कि मैंने भी अपने व्यूअर्स को बताया है कि जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही DHL लाहौर में, तो इस टाइम फेज 9 प्रिज्म सबसे हॉट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए चल रहा है, लेकिन जो लोग फेज 9 प्रिज्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो अपने पैसों को कहाँ पर लगाएं और कहाँ से अच्छा फ्रूट हासिल कर सकते हैं? दानियाल, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। उसकी वजह ये कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो हमें एक सवाल करते हैं कि जी मेरे पास 30 लाख रुपए है या मेरे पास 40 लाख रुपए, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे करूँ? अब हर आदमी जो है, हर क्लाइंट जो है, वो फाइलों में इन्वेस्ट नहीं करता। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी मुझे लोकेशन दिखाएं, मैप पे प्लॉट बताएं कहाँ पे। हम लाहौर शहर में बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे DHL लाहौर फेज 6 में DHA गुजरांवाला का ऑफिस है, DHA बहावलपुर का ऑफिस है, मुल्तान का है, क्वेटा का है, लाहौर का ऑफिस तो है, और ये सारा फेज 6 में है। अब यहाँ का इन्वेस्टर, लाहौर का इन्वेस्टर, 9 प्रिज्म का इन्वेस्टर अगर बहावलपुर में इन्वेस्टमेंट कर ले, उसे बहावलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा विज़िट करें बहावलपुर में और पूरा DHA बहावलपुर का विज़िट हो जाता है, बाद में आप नक्शा सामने रखें, उसे समझें, और यहाँ से आप जो एक 5 मरले का प्लॉट देते हैं 9 प्रिज्म में, आपके हाथ से इसका 5 मरले की इन्वेस्टमेंट भी निकलती जा रही है 9 प्रिज्म में। आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट जो है बहावलपुर में कर सकते हैं, बहावलपुर में इस टाइम आपको 40 लाख से लेकर 65 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिल जाता है एक कनाल का। बहावलपुर में भी कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर डील हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अभी ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, आप बहावलपुर में इन्वेस्टमेंट करें, आप मुल्तान में करें, आपके पास लाहौर में बैठ के हम इन 4-5 शहरों में हम काम कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा इस टाइम बहावलपुर को, कि बहावलपुर भी जो है अभी हमारे कंट्रोल में है, इसको समझें। इसके ऊपर हम मज़ीद अगली वीडियो में जो है इसकी प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर 9 प्रिज्म स्लो है तो इस टाइम हमें बहावलपुर में काम करना चाहिए और बहावलपुर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बहावलपुर की अभी प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आया, यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी ऊपर गई है ना पहले, इसकी प्राइसेस कुछ हो? दानियाल बिल्कुल, यहाँ पे प्राइसेस जो थी बी ब्लॉक में या आपका ये जो ए ब्लॉक था, यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम थी। बी ब्लॉक में 27-28 लाख रुपए का प्लॉट भी बिकता था, अब वही 27-28 वाला प्लॉट जो है 40 प्लस चला गया, और इसी तरह जो वहाँ पे 35 और 40 के इन बिटवीन रेट होता था जिस प्लॉट का क्यूब में या और जो ब्लॉक थे, वो 65 प्लस चले गए, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अभी भी ये कंट्रोल में है, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखना चाहिए, एक शहर में रह के हमें अपने आप को बॉन्ड नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी हमें देखना चाहिए। बस अदनान भी एक छोटी सी चीज़ और बता दें, जिस तरह कि अभी काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट की पावर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? दानियाल, जैसी माशाल्लाह ये इस टाइम मार्केट चल रही है, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बनती है और मैक्सिमम आप इसे साल से 2 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं, तो उसमें एक अच्छा, हाँ, अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप DHA बहावलपुर को इस टाइम प्योरिटी पे देखते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह के जो लोग DHA लाहौर के अलावा किसी दूसरे शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अदनान भी ने उसको आपको एक डिटेल के अंदर एक छोटा सा उसका ओवरव्यू दिया है और समझाने की कोशिश की है कि वहाँ पे आप DHA बहावलपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक थोड़े टाइम के अंदर एक अच्छा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे किसी प्लॉट की असेसमेंट लेनी है या अपना प्लॉट सेल करना है या उसको परचेज़ करना है, तो आपकी स्क्रीन पे हमारे नंबर भी शो हो रहे हैं। उसके अलावा अगर DHA मुल्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई मिलेगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम आपके लिए न्यू अपडेट्स लेके आते हैं, तो इसको मैक्सिमम अपने रिश्तेदारों में, लोगों में शेयर किया करें ताकि उन तक भी बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह।